जिसमें असल आज हम बैरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट बेयरिंग इंस्ट्रूमेंट स्क्रू गेज के बारे में देखेंगे इससे हम कैसे टैम बीटर फाइंड आउट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट तो ये हमारे सामने एक माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की सिमुलेशन है इस स्क्रू गेज की दो जॉज होते हैं जिनके दरम्यान हम ऑब्जेक्ट रखते हैं एक फिक्स जॉ है और दूसरा मूवेबल है ये फिक्स है जो और ये दूसरा जॉब मूवेबल है जो इस स्केल के रोटेट करने से मूव करता है अब इसको दो स्केल्स होती हैं एक मेन स्केल और दूसरी इसकी सर्कुलर स्केल होती है ये इसकी मेन स्केल है इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन है इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम इंडेक्स लाइन बोलते हैं इस इंडेक्स लाइन पर ये पहली वर्टिकल लाइन जीरो है इसके बाद ये दूसरी लाइन जीरो पॉइंट फाइव उसके बाद वन एर वन पॉइंट फाइव फिर, फिर ये सर्कुलर स्केल है इस पर टोटल फिफ्टी डिविजन है है अब सबसे पहला काम जो किसी भी मेजरिंग में होता है उसका लीस्ट काउंट होता है कि कम से कम कितनी रीडिंग मैयर कर सकता है कोई इंस्ट्रूमेंट तो ये थ्रू केज इसका लीस्ट काउंट हम फाइंड कर सकते हैं पिच को डिवाइड करें टोटल नंबर ऑफ डिविजन सर्कुलर स्केल पर कितनी है उसके साथ पिच क्या होती है अब देखिए ये ज़ीरो जो सर्कुलर स्केल का है ये भी इस इंडेक्स लाइन के साथ मैच कर रहा है अब हम इसको एक पूरी रोटेशन देंगे दोबारा यही जीरो जब आकर इंडेक्स लाइन के साथ मैच करेगा तो मेन स्केल पर जितनी भी रीडिंग इतना सफर तय हुआ है वो इसकी पिच है तो अभी मेन स्केल पर जीरो पॉइंट फाइव मिलीमीटर का फासला तय हुआ तो इसकी पिच ज़ीरो पॉइंट फाइव है इसको सर्कुलर स्केल की टोटल जो डिविजन्स हैं उससे डिवाइड करते हैं सर्कुलर स्केल पर टोटल देखिए पचास डिविजन 45 है यहाँ तक फोर्टी फाइव है उसके बाद पाँच और है तो पचास है जीरो पॉइंट फाइव को पचास से डिवाइड करें फिफ्टी से डिवाइड करें तो ज़ीरो पॉइंट जीरो वन मिलीमीटर इसका रीच काउंट इसके बाद हमने इसका ज़ीरो एरर देखना होता है तो जीरो एरर देखने के लिए हम क्या करेंगे इस इसको जॉस को क्लोज करेंगे अब जब जॉज क्लोज हो तो ये दोनों जीरोज़ यानी ये ज़ीरो सर्कुलर स्केल का और इंडेक्स लाइन ये मैच करने चाहिए अभी इस इंस्ट्रोमेंट में कोई ज़ीरो एरर नहीं है लेकिन अगर इसमें ज़ीरो एरर हो तो फिर कैसा होगा जीरो देखिए हम जीरो एरर के स्लाइडर से इसमें जीरो एरर प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं अब देखिए जो इंडेक्स लाइन है ज़ीरो उससे नीचे है इंडेक्स लाइन के साथ जीरो मैच नहीं कर रहा अभी इंडेक्स लाइन के साथ चौपथी लाइन फोर्थ लाइन मैच कर रही तो इस इंस्ट्रूमेंट में फोर डिविजन्स का है अब उस फोर हम लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जीरो पॉइंट जीरो वन के साथ यानी इसका जीरो एरर जीरो पॉइंट जीरो फोर मिलीमीटर है और ये एरर नेगेटिव भी हो सकता है अगर इस तरह हो इस ज़ीरो इंडेक्स लाइन से ऊपर हो जाए अब देखिए ज़ीरो और इंडेक्स लाइन के दरमियान कितनी लाइने कितने डिविजन्स है वन टू थ्री फोर तो जीरो और इंडेक्स लाइन के दरमियान चार लाइन तो इसमें माइनस जीरो पॉइंट जीरो फोर मिलीमीटर का ज़ीरो एरर हो लेकिन अभी हम जूनिटिक लेंगे जीरो एरर के बगैर लेंगे तो इसको जीरो एरर को ज़ीरो करते हैं और रीडिंग लेने की कोशिश करते हैं डायमीटर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि हमारे सिक्स सिलेंडर है इसका हम डायमीटर लेने की कोशिश करते हैं तो इसको हम रखेंगे इन दोनों जवाज़ के दरमियान और इसका डायमीटर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे देखिए इसको हम जोस के दरमियान रखते हैं और जॉस को टाइट करते हैं इसको यहां पर रखेंगे और जॉस को टाइट कर आप जॉस टाइट होके अब सबसे पहले हमने मेन स्केल पर रीडिंग पढ़ तो मेन स्केल पर देखिए वन मिलीमीटर आसानी से नजर आ रहा है वन फाइव भी नजर आ रहा है और टू मिलीमीटर भी नजर आ रहा है तो मेन स्केल पर जो रीडिंग है अभी वो टू मिलीमीटर है टू एम उसके बाद सर्कुलर स्केल की देखिए कौन सी लाइन है जो इस इंडेक्स लाइन के साथ एग्जैक्टली exactly मैच कर इंडेक्स लाइन के साथ अभी ये ट्वेंटी फाइव वाली लाइन एग्जैक्टली मैच कर रही है तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग आ रही है ट्वेंटी फाइव लेकिन इस ट्वेंटी फाइव को हम क्या करेंगे दोबारा से लीस्ट पाउंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जब ट्वेंटी फाइव को जीरो पॉइंट जीरो वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो पॉइंट टू फाइव आ जाएगा अब ये जीरो पॉइंट टू फाइव एड कर देंगे मेन स्केल की रीडिंग में मेन स्केल था टू मिली mm. उसमें जीरो पॉइंट टू फाइव प्लस कर दें तो आपकी टोटल रीडिंग बनती है टू पॉइंट टू फाइव ये डाया है इस सिलेंडर का जो हमने फाइंड आउट कर लिया है इससे अब इसकी जगह पे हम कोई ऑब्जेक्ट भी और रख सकते हैं या वैसे ही इसकी रीडिंग पढ़ने की कोशिश करें देखिए एक इक्रैंडमली हमने एक रीडिंग ऐसे ओपन की अब देखिए सबसे पहले मेन्स की रीडिंग पढ़ते हैं तो मेन्स की रीडिंग पे वन टू थ्री अच्छा तीन के बाद ये नीचे वाली भी नज़र आ रही है तो ये पॉइंट फाइव होती है तो थ्री पॉइंट फाइव है अभी मेन स्केल पे थ्री पॉइंट फाइव है और सर्कुलर भी देखिए फिफ्टीन के बाद सिक्सटीन सेवनटीन एटीन और नाइनटीन नाइन लाइन ये मैच कर रही है इंटेक्स लाइन के साथ तो सर्कुलर स्केल रीडिंग है नाइनटीन नाइनटीन को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो पॉइंट जीरो वन के साथ जीरो पॉइंट वन नाइन हो जाएगा और इसको मेन स्केल में यानी थ्री पॉइंट फाइव में प्लस कर देंगे तो टोटल डायमीटर आ जाएगा इसी तरह किसी भी ऑब्जेक्ट का हम डायमीटर इस गेज की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं अच्छा अब अगर एरर जो हमने पहले देखा था अगर इंस्ट्रूमेंट में एरर हो तो फिर हम उस एरर के साथ क्या करें तो जो हमने फाइनल डायमीटर की रीडिंग ली है अगर हमारा एरर पॉजिटिव एरर था यानी आपने दोनों जॉज़ को क्लोज किया और जीरोज मैच यानी जीरो सक्टर्स खेल का मैच नहीं कर रहा ज़ीरो नीचे है और इंडेक्स लाइन ऊपर है ये पॉजिटिव जीरो एरर की पहचान है इस पॉजिटिव जीरो एरर को जो कि अभी टू डिविजन्स का है यह जीरो पॉइंट जीरो टू बिली मीटर है अपनी फाइनल डायमिटरी रेटिंग होगी उसमें से माइनस कर और अगर ये एरर होगा नेगेटिव यानी अगर ये अभी ज़ीरो पॉइंट जीरो थ्री है नेगेटिव जीरो एरर जीरो ऊपर है इंडेक्स लाइन नीचे है नेगेटिव जीरो एरर को अपनी डायमेटरी रेटिंग में प्लस कर देते हैं Hope that you have learned See you in some other videos. Insha'Allah.